आते हैं, क्योंकि जो देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि विजय केड़िया जी से को हम सुन रहे हैं, वो हमको नुस्खे बताएंगे, वो हमको सेक्टर बताएंगे, वो हमको तरीका बताएंगे कि अब इस बाजार में इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, जैसे आपने कहा, आप पैसे कैसे बनाएं, कौन से सेक्टर आपको सही लग रहे हैं, और क्या यहाँ पर इस वक्त अपने पोर्टफोलियो को भी देखने की ज़रूरत है कि कुछ कंपनियाँ इतनी बढ़ गई है जिसमें फंडामेंटल शायद मैच नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल मैच नहीं हो रहे हैं आप, तो हु स्टॉप्स यू फ्रॉम सेलिंग? आप रॉन्ग ही तो होगे ना, और आप कम से कम रिग्रेट करोगे तो प्रॉफिट बुक करके रिग्रेट करोगे। तो अगर आपको लगता है कि ये समझिए मिसमैच है और फंडामेंटल बैक नहीं है, तो आपको उन शेयरों को बेच देना चाहिए और बेच के दूसरे शेयर उसके लेना चाहिए जो आपको लग रहा है कि जिनके अंदर में अभी शुरुआत हो रही है जर्नी। तो ये तरीका आपको करना पड़ेगा। यू सी, मेरा कोट है कि इन्वेस्ट लाइक ए बुल, सिट लाइक ए बेयर एंड वॉच लाइक एन ईगल। आपको प्लांट के जैसे जो रोज़ रोज़ आपके पौधे को देखना पड़ेगा कि भैया ये पौधा ठीक है ना, इसका न्यूट्रिशन बराबर जा रहा है ना, इसमें पानी आ रहा है ना, हवा पानी धूप इसको मिल रही है ना। तो एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपके पास काम क्या रहता है, यही अपने पौधे को आप वॉच कीजिए आपको। तो ये पद्धति लोगों को अपनानी पड़ेगी, और जल्दी जल्दी पैसा कमाने का जो जुनून है वो छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसलिए शेयर बाज़ार में अनसक्सेस होते हैं कि वो इसको जुआ समझने लग जाते हैं, इसको या कसिनो के जैसे समझते हैं कि तुरंत पैसा आ जाएगा और जल्दी जल्दी पैसा कमाने के सोचते हैं। अगर इसको बिजनेस अगर समझेंगे तो फिर आपको बिजनेस के से ट्रीट करेंगे तो मार्केट विल रिवॉर्ड्स यू एज पर योर परसेप्शन इफ़ यू विल ट्रीट इट लाइक ए गैम्बलिंग।